लोगों ने मिलावट की है, जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें गोली मार देनी चाहिए, गोली से उड़ा देना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मिलावट करने वालों को गोली से उड़ा देना चाहिए। अनिल विज कह रहे हैं, हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री हैं, और कह रहे हैं कि दोषियों को चौक पर खड़ा करके गोली मार दो। बहुत मैं इसकी सारा जानना भी चाह रहा हूं, क्योंकि चुनाव में लगा हुआ हूं, मैं भी तिरुपति जी गया हुआ हूं, मैंने भी कई बार लड्डू खाए हैं, तो बहुत अंदर जो है बहुत गुस्सा इसके प्रति आ रहा है। और मैं कह रहा हूं कि जिसने भी ऐसा किया है, अब वो बता रहे हैं कि लैब्स की रिपोर्ट भी हैं और आधे रेट पे ले रहे थे देसी घी, जो मार्केट रेट है उससे आधे रेट पर ले रहे थे, तो सारी बातें इसके खिलाफ जा रही हैं। तो ऐसे लोगों को तो चौंक पे खड़ा करके गोली भी से उड़ा देना चाहिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अनिल विज ने, सीधे सीधे कहा है कि जिन लोगों ने मिलावट की है, जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें गोली मार देनी चाहिए, गोली से उड़ा देना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मिलावट करने वालों को गोली से उड़ा देना चाहिए। अनिल विज कह रहे हैं, हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री हैं, और कह रहे हैं कि दोषियों को चौक पर खड़ा करके गोली मार दो। बहुत मैं इसकी सारा जानना भी चाह रहा हूं, क्योंकि चुनाव में लगा हुआ हूं, मैं भी तिरुपति जी गया हुआ हूं, मैंने भी कई बार लड्डू खाए हैं, तो बहुत अंदर जो है बहुत गुस्सा इसके प्रति आ रहा है। और मैं कह रहा हूं कि जिसने भी ऐसा किया है, अब वो बता रहे हैं कि लैब्स की रिपोर्ट भी हैं और आधे रेट पे ले रहे थे देसी घी, जो मार्केट रेट है उससे आधे रेट पर ले रहे थे, तो सारी बातें इसके खिलाफ जा रही हैं। तो ऐसे लोगों को तो चौंक पे खड़ा करके गोली भी से उड़ा देना।